हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों, यहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ इसरो यूआरएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और फाइनली जो इसरो है, इसरो ने अपना जो रिजल्ट है ये अनाउंसमेंट कर दिया है। हम किस इसरो के किस भर्ती की बात कर रहे हैं दोस्तों? इसरो यूआरएससी जो लखनऊ वाली भर्ती थी, जो भर्ती आई थी दोस्तों 10 फरवरी को, फरवरी में ये भर्ती आई थी, और फाइनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का यहाँ पर जो फाइनल लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए और स्किल टेस्ट के लिए, वो आ चुकी है। तो आइए मैं लेकर चलता हूँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। हम खड़े हैं ऑफिशियल वेबसाइट में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग, है ना। जिन बच्चों का दोस्तों एग्जाम सही गया था उनके तो चेहरे पे मुस्कान आने वाली है, और जिन बच्चों का एग्जाम टफ गया था उनको थोड़ा सा दोस्तों वो डीमोटिवेट होंगे, लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों, है ना। बस वक्त का खेल है और कुछ नहीं। जिसने मेहनत किया उसका दोस्तों सुनहरे अक्षरों पर यहां पर नाम जो है वो आने वाला है। तो आप भी देखिएगा, भले आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, शिद्दत से आप कमेंट में लिखिएगा कि सर हमने एग्जाम दिया था और किस पोस्ट के लिए हमने फॉर्म को अप्लाई करके एग्जाम दिया था, ये एक बार शिद्दत से लिखेगा दोस्तों। हर छात्र जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो जरूर बताएगा, है ना। और निमी टेक्निकल क्लासेस को दिल से चाहने वाले मेरे भाई सभी दिल का इमोजी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर भेजेंगे। रिमार्क में जब आएंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। आप जो भी यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, क्रोम यूज करते हैं, याहू यूज करते हैं ना, बिंग यूज करते हैं, जो भी आप यूज करते हैं वहां पर लिखेगा isro.ursc.gov.in। जैसे लिखेंगे ये आपके सामने एक पेज आएगी, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे रिमार्क का एक ऑप्शन आएगा, थोड़ा और नीचे आएंगे और नीचे आते ही यहां पर आपको लिखा हुआ सब कुछ मिल जाएगा। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट एंड शेड्यूल ऑफ स्किल टेस्ट फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट, ये है एडवर्टीजमेंट नंबर, है ना। कॉल लेटर फॉर स्किल टेस्ट विल बी सेंट थ्रू ईमेल टू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी कि कब आपका डीवी होगा, कब आपका स्किल टेस्ट होगा, सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, है ना। अब देखते हैं, जैसे कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट, अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस वाले पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, यहां पर क्लिक करेगा पीडीएफ मिल जाएगी। अगर इलेक्ट्रिकल के लिए यहां पर क्लिक कीजिएगा पीडीएफ मिल जाएगी। फिजिक्स के लिए यहां पर क्लिक करेगा उसकी पीडीएफ मिलेगी। अगर किसी ने असिस्टेंट एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया के लिए फॉर्म को भरा था उसका यहां से पीडीएफ मिलेगा। और अगर किसी ने असिस्टेंट मैथमेटिक्स के लिए यहां पर अप्लाई किया था तो वो यहां पर क्लिक करेगा, और जो लाइब्रेरी असिस्टेंट वाला है वो यहां से हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल वालों का। बाकी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम अभी इलेक्ट्रिकल वाले पे यहाँ पर क्लिक करते हैं। आपके सामने एक जो है दोस्तों वो डाउनलोड होकर के आ जाएगी, है ना। अभी देखिए, अभी आपके सामने आएगी डाउनलोड, रुकिए डाउनलोड हो रही है अभी, है ना। वन सेकेंड, हो चुकी है डाउनलोड। ये देखिए, ये हमारे सामने एक जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में ओपन होकर के आ चुकी है। और आइए देखते हैं कि किसके लिए दोस्तों यहां पर क्या है, कितना कट ऑफ गया हुआ है, सारा माजरा, सारा जो खेल है दोस्तों वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा है कि यूआरएससी राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु की यह भर्ती थी। कौशल परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ पर लिस्टेड किया गया है, जिसमें टोटल पद थे कितने, टोटल 5 पोस्ट थे। अनरिजर्व की 1 सीट थी, ओडब्ल्यूएस ओबीसी की 3 थी, ईडब्ल्यूएस की 1 थी, यानी कि 3, 4, 5 टोटल 5 पदों पर यहां पर इलेक्ट्रिकल के लिए दोस्तों यहां पर भर्ती को निकाला गया था। और 5 पद पर यहां पर 6 गुना ज्यादा बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है डीवी के लिए और स्किल टेस्ट के लिए, क्योंकि इसरो तो ट्रेड टेस्ट कराती नहीं, ये डायरेक्ट स्किल टेस्ट कराती है, तो स्किल टेस्ट के लिए, है ना। तो ये सारे वो महारथी हैं जिन्होंने दोस्तों दबा दबा के मेहनत किया और इतना दबा दिया कि फाइनल मेरी लिस्ट में उनका नाम आ गया, है ना। यही दोस्तों आपको भी करना है। अब देखिए यहां से शुरू करते हैं और टोटल 37 है, यानी कि पांच बच्चों के लिए यहां पर जो पांच कहने का मतलब कि 5 सीट यहां पर भर्ती थी, 5 पद, 5 नंबर ऑफ वैकेंसी थी यहां पर, 5 नंबर ऑफ वैकेंसी थी, उस नंबर ऑफ वैकेंसी का 6 गुना बच्चे यहां पर सिलेक्टेड हैं, है ना। जैसे कि ये यहां पर देखिए रोल नंबर दिया हुआ है,
रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स है ना दिया हुआ है यहाँ पर, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होना है और आपका स्किल टेस्ट कब होना है ना। मैं यहाँ पर इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर डेट दिया हुआ है ना। तो ये सारा मामला है, आप नाम मैच करा लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मैच करा लीजिएगा, रोल नंबर मैच करा लीजिएगा, है ना, सब कुछ ओके रिपोर्ट है। तो जिन बच्चों का दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उनको मेरा प्रणाम है, उनको दिल से मेरा बहुत बहुत बधाई है, दिल की गहराइयों से मैं उनका है ना बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अगर आपको भी ये शुभकामनाएं चाहिए तो आप भी दबा के मेहनत कीजिए ताकि अगली जो भर्ती है दोस्तों उसमें आपका भी नाम हो, क्योंकि इसरो की जो अलग अलग यूनिट है ये भर्तियां दोस्तों देती रहती हैं, तो भर्तियों की कोई कमी नहीं है, है ना। तो अब चलिए ये सब कुछ आप देख लीजिएगा मैटर। बाकी इनका डीवी कब होना है तो 29 अगस्त को, कब होना है 29 अगस्त को मंडे के दिन होना है और 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, है ना। 8 बजे मतलब कि आपका स्टार्ट हो जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम इससे पहले होगी। अब सारा डिटेल, सारा मैटर कैसे पता चलेगा कि सर कहाँ पर है, है ना, डेट तो आपको पता चल गया, टाइम आपको पता चल गया, दिन आपको पता चल गया, लेकिन किस स्थान में होना ये सर हमें पता नहीं है। तो इसके लिए आपके जो पर्सनल ईमेल आईडी है, है ना, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय डाला था, उसमें कॉल लेटर आपके पास आएगा, एक पूरा पीडीएफ खुल के आएगी आपके पास, है ना। उस पीडीएफ में पूरा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन लिखा होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, है ना, क्या क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब कुछ लिखा होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट क्या है 29 अगस्त, स्किल टेस्ट का डेट क्या है 29 अगस्त, टाइम क्या है 8 बजे, और डे क्या है मंडे मंडे, यानी कि सब कुछ दोस्तों क्लियर है यहां पर कि आपका टाइम सेम डेट है ना, और सेम डे पे आपका स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है ना। तो आप देखिएगा, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है, बाकी ये सारी चीज़ें कही गई हैं यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए डेट ऑफ बर्थ मतलब क्या क्या लेकर के जाना है। अब कट ऑफ की तरफ अगर मैं चलूँ थोड़ा सा, तो 5 भर्ती थी दोस्तों, मतलब कि 5 नंबर ऑफ वैकेंसी थी, अनरिजर्व के लिए 1 थी तो 65 गया है, ओबीसी के लिए कितना था 3 था तो 62 गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 थी तो 59 गया है, है ना। इसमें 1/3 का निगेटिव मार्क भी था जो सीबीटी एग्जाम हुआ, 80 नंबर का आपका क्या था यहाँ पर एग्जाम हुआ था, कितने नंबर का 80 नंबर का एग्जाम हुआ था, 80 में से 65 यूआर का, 80 में से 62 ओबीसी का, 80 में से 59 आपका ईडब्ल्यूएस का, 1/3 निगेटिव मार्क के बावजूद भी, है ना। तो इन सभी छात्रों को दोस्तों दिल से मैं दुहाई देना चाहूँगा, दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूज़ था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इस प्रकार की दोस्तों जो न्यूज़ नोटिफिकेशन होता है ना, देने में भी एक अंदर से एक उमंग आती है, अंदर से एक खुशियाँ आती हैं, खुशियों की लहर आती है, है ना। जितना मेहनत आप करके दोस्तों सिलेक्शन लेते हैं ना, तो जितना खुश आप रहते हैं ना, उससे डबल खुशी हमें मिलती है, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों ये जो लिस्ट है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल को शिद्दत से ज्वाइन करना है, गूगल की तरह आपको वो अपडेट करके रखेगा। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में भी आप जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिंक विंक दिया हुआ है दोस्तों, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आपके जैसे दोस्तों वहां न जाने सैकड़ों में छात्र हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्यार बांटते हैं, हमारे साथ कनेक्ट होकर के हमारे क्लासों को देखते हैं, क्लासों में प्यार देते हैं। आप भी दोस्तों निमी टेक्निकल क्लासेस का एक सदस्य से बनिए और फिर हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करिए, है ना। मैं अपने लफ्जों को यहीं पर अल्पविराम करता हूं और मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।